अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ओ कल्याणी की सपुत्री, 15 दिन हो गए शादी को, पर तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हुए। चलो झाड़ू पोछा करो, हमारी कुछ सहेलियां आ रही हैं, आधे घंटे में पूरा घर साफ चाहिए। उठो। अगर आपको ऐसा लगता है हमें तकलीफ पहुंचाकर आप हमें तोड़ सकती हैं, तो ठीक है, आप ये भी कोशिश करके देख लीजिए। वो क्या है ना, हम कल्याणी देवी की बेटी हैं, टूटेंगे नहीं। अच्छे से और एक बात और बता दे भैया आपको, अब वो पानी है जिसे जितना रोकेंगे ना उतना तेजी से भरेगा। जाइए, जितने बांध बनाने बना लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नंदिनी जी क्या कर रही हो? खून भरा तुम्हारी चोट से, घर के सारे नौकर मर गए क्या? छोड़ो छोड़ो इसे, छोड़ो। किसने कहा तुमसे ये सब करने के लिए? पूछो अपनी अम्मा से। और सुनो, ये ज्यादा दिखावा करने की ना जरूरत नहीं है हमारे सामने, समझे? छोड़ो छोड़ो इसे, छोड़ो। वो देख रही हो ना, चोट लगी है उसे। हाँ तो बैग से पोछा लगाने के लिए नहीं कहते जो नौटंकी कर रही है? घर गंदा था, नौकर दूसरे काम कर रहे हैं, इसीलिए कहा। तो ठीक है फिर। तो ये क्या कर रहे हो? बाहुबली बंदूक पकड़ता है, पोछा नहीं। और एक माँ रिश्ता पकड़ कर रखती है, जिद नहीं। आपको घर साफ चाहिए ना, मिल जाएगा आपको घर साफ। नंदिनी भाई, नंदिनी तुम ठीक हो ना? किसने तोड़ी बोतल हमारी? हमने। हमारा मन कर रहा है कि ऐसी बोतल आपके सर पर फेंक कर मारे, ताकि आपका दिमाग जो चादर तान कर सो रहा है ना वो जग सके। भैया, अब तक हम आपके साथ खड़े थे क्योंकि आपके साथ गलत हुआ था, आपका दिल टूटा था। आज तो हमें देखकर ये लग रहा है कि आप तकलीफ के आड़ में आकर खुद ब खुद गलत का हाथ पकड़कर निकलते जा रहे हैं। गुस्से में इतने बेसुध हो गए हैं कि जिसकी वजह से आपने अपनी हालत की है उसका ही दुख नहीं देख पा रहे।
भैया आप तो वो थे ना जो अनदेखी तकलीफ को भी अपनी आंखों से देख लेते थे, तो फिर आज क्या हो गया? आज जब आपके आंखों के सामने किसी को इतनी तकलीफ पहुंच रही है तो आप उसे क्यों नहीं देख पा रहे, क्यों महसूस नहीं कर पा रहे? हमारे अच्छू भैया तो ऐसे नहीं थे ना। प्लीज भैया ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे हमें आपको अपना भाई कहने से पहले सोचना पड़े। अजय मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो नंदिनी से प्यार करते थे ना, ये कैसा प्यार है? हम कैसे हैं और हमारा प्यार कैसा है ये हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और अमू तू बोल रही है ऐसा? अमू तुम अच्छे से जानती हो कि सब कुछ गलत उदय भैया ने किया है, नंदिनी की मांग में सिंदूर उदय भैया ने भरा था, सबका दिल तोड़ा इन्होंने, तभी तो हमें बोल रही है, क्योंकि तो जानती है ना कि फायदा तो अब उदय भैया के साथ रहने में। अमू तू भी तो ऐसी नहीं थी, तू कब से अपने फायदे के बारे में सोचने लगी? अजय खबरदार जो अमू को कुछ भी उल्टा कहा था। अमू जैसे तू सबको समझ रही है ना, काश वैसे तूने एक बार अपने छोटे भाई को भी समझने की कोशिश की होती। भैया भैया अब आपको समझ रहे हैं इसीलिए? नहीं हम तो हमें नहीं समझ रही है, यहाँ पर हर कोई बस अपने बारे में सोच रहा है, अपना फायदा देख रहा है, हर कोई अपनी गलती का दोष हमारे सर में मढ़ रहा है। अरे आप लोग जाइए अपनी वो डील के बारे में सोचिए और जाओ उदय भैया के साथ खड़े हो। हमारे साथ तो अभी कोई भी नहीं खड़ा है, तो नहीं हमें किसी से कोई उम्मीद है। रजत जी हर साल होली पर ना हमारे दोनों भाई होड़ लगाते थे कि हमें सबसे पहले रंग कौन लगाएगा, एक लाल रंग लेकर तोड़ता था तो दूसरा हरा, पर अंत में ना दोनों हमारे पास एक साथ पहुंचते थे, क्योंकि ये दोनों ना कभी एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता नहीं करना चाहते थे। आज जब हम अपने भाइयों को देखते हैं ना तो भैया यहाँ बहुत तकलीफ होती है रजत जी, हंसता खेलता हमारा परिवार आज जंग के मैदान में बदल के हैं, हम सब जिस प्यार के रंग में रंगे थे पता नहीं वो रंग कहाँ उड़ गया है। भाग्य को सौभाग्य बनाया तूने राग सुनाया, जीवन का तो अनमोल जब प्यार सच्चा होता है ना तो उसका रंग इतना गहरा होता है कि वो कभी फीका नहीं पड़ता।
दीवार पर लगी तस्वीर पर जैसे धूल जम जाती है, वैसे ही उस पर भी थोड़ी सी धूल पड़ जाती है। पर तुम ना चिंता मत करो, हम दोनों साथ मिलकर उस धूल को हटाएंगे और उन फीके पड़े रंगों को फिर से रंगीन कर देंगे। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।